गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइजेस बिकॉज द चैप्टर इज एंड। चैप्टर क्या है, वहां पर एंड हो चुका है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग फॉर डूइंग द एक्सरसाइजेस। ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द क्वेश्चन इज एमसीक्यूज, वी हैव टू चूज वन ऑफ द करेक्ट वर्ड। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, फर्स्ट इज साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, हमको पता है इट कैन बी ट्रैवल फ्रॉम द लिक्विड, इट कैन बी ट्रैवल फ्रॉम द सॉलिड एंड गैसेज ऑल्सो, इट कैन नॉट कैन बी ट्रैवल फ्रॉम द वैक्यूम। तो फर्स्ट आंसर इज वैक्यूम। सेकेंड वन, आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी विच कैन वी हियर बेटर, हम लोग किसको बेटर हियर अप कर पाएंगे। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड होती है विच इज कंफर्टेबल फॉर अस, तो विच वन इज द फ्रीक्वेंसी इन बिटवीन दिस, इट इज द 24 हर्ट्ज। ओके, देन सी लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन, लाउडनेस जो होता है जस्ट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पार्टिकल ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजिशन रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड, इट इज ऑल्सो द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट अप, द साउंड विद इन द फ्रिक्वेंसी रेंजेस ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड द ऑडिबल साउंड, इट इज नोन एज ऑडिबल साउंड। ओके, नाउ ब्लैंक ऑफ साउंड रेफर्स टू द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन वन सेकेंड, वन सेकेंड में जो ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं दीज आर नोन एज फ्रीक्वेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, बेटा क्या हो रहा है यहां पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पूछ रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यहां पर क्या है बेटा, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स ये तीनों ही है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाउडनेस भी होता है, टिम्बर भी होता है, पीच होता है, स्पीड भी होता है, बट सुनिए अच्छे तरह, यहां पर जो क्या है क्वेश्चन रॉन्ग स्पेल्ड है। व्हाट वी हैव टू डू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, आर नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड, तो आंसर आपका आ जाएगा स्पीड। क्या आ जाएगा यहां पे, स्पीड। आई बस में यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ठीक है, आर को हटा के इज नॉट, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए आप लोग, इंस्ट्रूमेंट सच एज सितार एंड वायलिन प्रोड्यूसेस द साउंड व्हेन देयर स्ट्रिंग्स आर वाइब्रेटेड, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू का जो ए है उसमें क्या आएगा आपके, स्ट्रिंग, एस टी आर आई एन जी, क्या आएगा आपके, स्ट्रिंग आ जाएगा। सेकंड वन इज बी, द वॉइस बॉक्स इज प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, इट इज द अपर एंड। सी द ब्लैंक इज द स्ट्रेच मेम्ब्रेन दैट वाइब्रेट्स ऑन रिसीविंग द साउंड वाइब्रेशंस, इट इज द ईयर ड्रम। इट इज द ईयर ड्रम। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन द डेसीबल, इट इज कॉल्ड डेसीबल, नॉट डेसीमल, इट इज डेसीबल। डॉल्फिन कैन हियर द साउंड अप टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 200,000 हर्ट्ज, टू जीरो 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 जीरो, ओके, 200,000 हर्ट्ज का साउंड यह डॉल्फिन हियर अप कर पाती है। After that, what we have to do? We have to complete the choose the correct option. Sorry, true false we have to complete. Question number 3.
ट्रू और फॉल्स. ठीक है. साउंड कैन प्रोपेगेटेड थ्रू द गैस एंड लिक्विड बट नॉट इन सॉलिड्स. नो इट इज फॉल्स बिकॉज इट कैन ट्रेवल इन ऑल थ्री मीडियम्स. तो फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ए इज फॉल्स. थ्री वोकल कोर्ड्स आर फाउंड इन अक्रॉस द वॉइस बॉक्स. नो, टू वोकल कोर्ड्स ओनली. तो इट इज ऑल्सो फॉल्स. लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. यस, इट इज ट्रू. नेक्स्ट, साउंड विद द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासाउंड. नो, इट इज द मैक्सिमम साउंड. ये अल्ट्रासाउंड जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का साउंड होता है. तो इट इज क्या साउंड विद द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, सॉरी हाँ सॉरी सॉरी, साउंड विद द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज. यस, इट इज ऑल्सो ट्रू. 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा जो होता है वो अल्ट्रासाउंड ही होता है. नॉर्मल कन्वर्सेशन हैज द लाउडनेस ऑफ 30 dB. नो, इट इज 60 dB और 50 dB. तो आपका जो ई पॉइंट है दैट इज फॉल्स. इट इज फॉल्स. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द ब्रीफ. ये आपके ट्रू फॉल्स हो गए. ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स व्हाट वी हैव टू डू, डिफाइन द फॉलोइंग एंड गिव द SI यूनिट्स. ओके, डेफिनेशंस. टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड इट्स SI यूनिट इज सेकेंड. ओके, नेक्स्ट इज वॉट, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज वॉट, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन 1 second इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट्स SI यूनिट इज हर्ट्ज, HERTZ. इसको HZ से भी हम लोग लिखते हैं. ओके, इट इज हर्ट्ज. स्टेट द फैक्टर दैट डिटरमाइंस, स्टेट द फैक्टर्स दैट द दैट डिटरमाइंस. इन दो को डिटरमाइन कौन करता है, हमको क्या करना है, उसकी फैक्टर का नेम बताना है. दैट डिटरमाइंस द पिच ऑफ साउंड. पिच ऑफ साउंड क्वेश्चन नंबर टू है बेटा आपका. ये क्वेश्चन नंबर टू, पिच ऑलवेज डिसाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, पिच ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी बिकॉज हायर द फ्रीक्वेंसी पिच इज ऑल्सो हाई. फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी साउंड की पिच भी उतना ही ज्यादा होगी और उसके अंदर उतनी ही क्या होगी, श्रिलनेस होगी, मतलब पतलापन आएगा, है ना, मतलब स्वीट वॉइस निकलेगी. देन व्हाट इज द लाउडनेस ऑफ साउंड. इसका फर्स्ट हो गया, लाउडनेस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एम्पलीट्यूड. लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. ठीक है, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा लाउडनेस भी उतनी ही ज्यादा आएगी. हाउ डज द साउंड प्रोपोगेट. साउंड ऑलवेज प्रोपोगेटेड बाय द सेम बाय सम मीडियम. साउंड ऑलवेज प्रोपोगेटेड बाय मीन्स ऑफ सम मीडियम. साउंड जो होगा वो ट्रेवल करेगा बट बाय मीन्स ऑफ अ मीडियम. अ मीडियम इज वॉट,
मीडियम इज द प्लेस, मीडियम आंसर ही लिख लेते हैं डायरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, साउंड कैन बी, साउंड ऑलवेज ट्रेवल्स थ्रू सम मीडियम लाइक सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम. इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम. यह आपका है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड. ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड. ऑडिबल मीन्स विच वी कैन हियर कंफर्टेबली. ओके, डिफरेंस करना है. डिफरेंस हम लोग टेबलेट करके करेंगे नहीं, क्योंकि बिकॉज वन डिफरेंस इज हियर. तो डिफरेंस हम लोग ऐसे भी कर लेंगे. चलो ठीक है, करते हैं. ऑडिबल, ऑडिबल एंड इनऑडिबल. ओके, देखिए इट इज कंफर्टेबल टू हियर. इट इज नॉट कंफर्टेबल टू हियर. ठीक है. दूसरा, फ्रीक्वेंसी. इट्स फ्रीक्वेंसी इज बिटवीन 20 hertz टू 20 kHz या 20,000 hertz. यहाँ जो होती है वो होती है आपकी बिलो 20 hertz एंड अबव 20,000 hertz. ठीक है, ये आपकी क्या है, डिफरेंस है. टिम्बर मैंने आपको बता दिया. टिम्बर क्या है, अंदर है. आप लोग देख लेंगे इसके अंदर. आप लोग दो क्वेश्चन खुद करेंगे. एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमंस. एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमंस. साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है. साउंड मैंने आपको बताया था, वेन एवर द ईयर साउंड एंटर्स इन द ईयर, ईयर पिन्ना विल कवर दिस, कलेक्ट दिस साउंड एंड इट ट्रांसमिटेड इन टू द मिडिल ईयर. बीच में चला गया. इट इज द ईयर कैनल. पाइप जो था उस पाइप के थ्रू ईयर कैनल में चला गया. देन द साउंड विल स्ट्रक थ्रू द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन दैट इज ईयर ड्रम. ईयर ड्रम के ऊपर क्या करेगी, वो स्ट्रक करेगी एंड द ड्रम विल बी वाइब्रेटिंग. ड्रम क्या होगा, ईयर ड्रम क्या होगा, स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूसेस द वाइब्रेशंस एंड दीज वाइब्रेशंस ट्रांसफर टू द इनर ईयर. व्हेन एवर द वाइब्रेशंस गोज इनटू द इनर ईयर, सम ऑफ थ्री बोन्स आर ओवर देयर. दीज बोन्स कैन एक्सेलरेट दीज वाइब्रेशंस. इनको क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है, फ्रिक्वेंटली कॉज करती है, फ्रिक्वेंसी कॉज करती है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट कर देती है. एंड दीज फ्रिक्वेंट वाइब्रेशंस गोज टू द कॉक्लिया. कॉक्लिया में जाता है. कॉक्लिया इज द स्फेरिकल स्प्रिंग लाइक शेप बना हुआ पे, दैट कलेक्ट द सिग्नल्स और द वाइब्रेशंस एंड ट्रांसमिट इनटू द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विल गोज टू द आवर ब्रेन. गोज टू आवर ब्रेन और ईयर, सॉरी आवर ब्रेन विल रिफ्लेक्ट दैट साउंड एज सच इट प्रोड्यूसेस. जिस तरीके से ये प्रोड्यूस हुई है उसी तरीके से इसको रिफ्लेक्ट कर देगा. इट इज द ऑल टाइप. Describe an activity to show the sound can propagate through the liquid. Liquid की activity आपको बता दूं मैं. जो आपने एक बच्चा था जो था बैल लेके, इस बैल पानी का टब भरा हुआ है उसके अंदर घंटी लेके कान लगा के बजा रहा है ना, that is the activity. वो activity आपको करनी है. What are the sources of noise pollution? ये भी आपकी बुक में है, ये आप कर सकते हैं. List some way to controlling the noise pollution. ये भी है, कैसे control कर सकते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है. Then
व्हाट इज द हियरिंग इंपेयरमेंट? हियरिंग इंपेयरमेंट का मतलब क्या है? हियरिंग इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ हियरिंग इंपेयरमेंट मतलब बाय द अनकंफर्टेबल नॉइज और साउंड आवर एबिलिटी टू हियर, हमारे कानों की जो सुनने की जो क्षमता है दैट मे बी लॉस, घट सकती है, या वी कैन कंप्लीटली गोज फॉर इम्पेयर्ड बाय द हियरिंग लॉस, कंप्लीटली हम लोग बहरे हो जाते हैं, डीप एंड डम्ब हो गए एक तरह से, तो हमको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। उस कंडीशन में क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज सो मच नॉइजी, वो कैसा है, बहुत ज़्यादा नॉइजी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मेक्स हार्मफुल फॉर अस, वो क्या करते हैं हमारे लिए हार्मफुलनेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये सारा आपका क्या था चैप्टर, एंड नाउ वी विल गो फॉर द अनदर चैप्टर इन द नेक्स्ट पीरियड। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।